आप देख सकते हो दाना चुग रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और फिर मैं आया हूँ आज रमा डेती, आप देख सकते हो रमा डेती का कितना सुंदर गेट है। और जी मार्ग देख रहे हो, ये जो श्री रावण बिहारी जी हैं उनके मंदिर की परिक्रमा जाती है। और ये जो मेन गेट है सड़क के लिए गया है, इधर से आप मेन गेट है जो सामने हिरन और चिड़ियाघर है देख, और उसमें बतख भी हैं। और ये यहाँ से समाप्त होती है परिक्रमा और आप कुटियान देख सकते हो। और चलो अब चलते हैं मंदिर में, इसी के साथ हम आपको कार्यालय दिखाएंगे सामने। और ये है सामने रमा डेती का कार्यालय, देख सकते हो आप ये। और इसी के साथ ऊपर देख सकते हो आप श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये सामने जो कुटिया बनी है, बड़े गुरुजी के शिष्य हैं और उन्हीं के पास में ही श्री श्रीनानंद जी महाराज जी की कुटिया है जो आप देख सकते हैं खड़े हैं। और सामने वो कुटिया बनी है और इसी के पास में हम आपको दिखाएंगे तुलसी का बाग। और उससे पहले दिखाते हैं हम थोड़ी सी आपको, ये देख सकते हो कि कितनी ब्रज 84 को उसकी यात्रा चल रही है, उसकी भीड़ है। और यहाँ रमा डेती में तो 12 मास भीड़ रहती है, ये स्थानीय ऐसा है यहाँ। ये आप देख सकते हो ये तुलसी का बाग है। और सामने जो देख पा रहे हो कुठिया सी जो दिखाई दे रही है आपको, ये श्री रमण बिहारी जी के जो सेवक हैं श्री श्रीनानंद जी महाराज जी, उनकी कुटिया है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं महादेव जी के मंदिर में, हर हर महादेव। और इसी के साथ हम आपको देखो कुछ सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। और ये पास में ही है श्री रमण बिहारी जी का कुआं, देख सकते हो आप कितनी खूबसूरती है यहाँ, खूबसूरती का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। महादेव जी के दर्शन से पहले चलो हम आपको दिखाते हैं एक सुंदर सी जगह, आप देख सकते हो इसके अंदर जाना प्रवेश निषेध है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती सुंदर है, प्रकृति का कोई जवाब नहीं है, देख सकते हो। यही वो कुटिया है जिसमें गुरुजी अपने ध्यान को एकत्र करते हैं। और साथ ही अब चलते हैं हम महादेव जी के मंदिर में, सामने आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। और यही सामने आप देख पा रहे हो श्री रमण बिहारी जी का मंदिर, और पास में ही है नवग्रह का मंदिर। और साथ ही साथ आप महादेव जी के मंदिर आ सकते हो। आते हैं हर हर महादेव, आप देख सकते हो यात्रियों की कितनी भीड़ है महादेव जी के दर्शन में, दर्शनों के लिए भीड़ कितनी उमड़ चुकी है। वहाँ पुकार आते हैं महादेव जी के दर्शन। हर हर महादेव, और इसी के साथ हम चलते हैं अब नवग्रह जी के दर्शन करने। और आप देख रहे हो कि भीड़ मंदिर में कितनी उमड़ रही है। ये हमारे नवग्रह मंदिर हैं जो आप जानते ही होंगे, नवग्रह मंदिर, शनिदेव सूर्यपुत्र और ये उनके साथ आप जानते ही हो। देख सकते हो आप रमा डेती की खूबसूरती। ये वही स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण जब कौंटू के बल थे जब यहाँ खेला करते थे, वो यही जगह है। और देख सकते हो आप कदम के पेड़ हैं यहाँ। यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर
आते हैं जो भक्त श्रद्धालु, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के यहाँ पर चरण बनाया करते हैं और उनके दर्शन करते हैं, और ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर दान किया जाता है। ये वही स्थान है रमण रीति आश्रम, और इसी के साथ हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करेंगे, और उसके साथ हम आपको ले जाएंगे सुंदर सुंदर कुछ कुटियाओं पर, और हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर हवन होता है वो भी दिखाएंगे, जो हवन कुटिया है कितनी सुंदर है कितनी। और इससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं श्री रमण बिहारी जी के, लेकिन अब 11 बज चुके हैं, दर्शन बंद हैं, करीब 11:30 बजे दर्शन खोलेंगे हम आपको। चलो बाद में दर्शन कराएंगे, उसी के साथ चलते हैं आपको लेकर, जहां वन होता है वो जगह दिखाएंगे, और गौशाला दिखाते हैं, और कुछ सुंदर सुंदर कुटियाएँ दिखाते हैं, और कुछ यहाँ प्रतिमाएँ और पेंटिंग हैं वो भी सुंदर सुंदर हम आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं हम, जो आप देख रहे हो यहाँ कुछ जो 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं कुछ लोग, वो यहाँ पर अपने वस्त्रों को सुखा रहे हैं, देख सकते हो, जिससे यहाँ की खूबसूरती थोड़ा छुप रही है, लेकिन आप जानते हो खूबसूरती तो खूबसूरती है, कहीं वो छुपती है, आप देख सकते हो। यही वो कुटिया है जहाँ पर रमण रीति आश्रम में हवन होता है, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल गेट बंद है, लेकिन हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं वो जगह जो आप सामने देख रहे हो, ये वही जगह है। और यहाँ पर वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। चलो इसी के साथ चलते हैं, हम कुछ श्रद्धालु को दिखाते हैं जो 84 को उसकी यात्रा कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं, और आप खूबसूरती तो रमण रीति की देख ही रहे हो गए। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं कुटिया पर, देख सकते हो आप रमण रीति आश्रम में श्रद्धालुओं को ले गुरु जी ने कैसी कैसी सुविधाएं कर रखी हैं, जो आप देख रहे हो ये पंखा है जो कुछ देर बाद चालू हो जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा देंगे, और आप देख सकते हो रमण रीति का ग्राउंड कितना बड़ा है, जो श्रद्धालु कम से कम इसमें 2-3 हज़ार आदमी तो आराम से आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और उसी के बराबर में और भी बहुत जगह है, आप देखो खुल के देख सकते हो सामने, और जो ये सामने दिख रही है गौशाला है, और सामने ये कुटिया है हम आपको, चलो, और ये दिख रहे हो ये जो श्री गुरु जी की, जो श्री श्रीनानंद जी महाराज जी की जो यहाँ पर देखा वारी करते हैं, वो इस सामने जो कुटिया दिख रही है इसमें रहते हैं। और इसी के साथ उससे पहले हम आपको ले चलते हैं सुंदर सुंदर कुटियाओं में, चलो क्या क्या नज़ारे हैं, अरे प्रभु तेरी माया ही कुछ निराली है, देख सकते हो आप कितनी कितनी सुंदर कुटियाएं हैं हमारी गुरु जी की। चलो हम आपको ले चलते, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था ना, हम आपको जो महाराज जी के, जो श्री नंदा जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ की देखभाल करते हैं, वो इस कुटिया है जो इसमें बैठा करते हैं, वो आप देख सकते हो। कितनी सुंदर कुटिया बनी है, मेरा तो शायद ऐसा मानना है कि पूरे ब्रज में क्या शायद कुछ ही जगह ऐसी होंगी या ऐसी आपको जगह मिल जाए, शायद मुश्किल मिलेगी, मेरे को तो पूरे ब्रज में ऐसा है कि ये आश्रम दिखता है जो इतना सुंदर और पवित्र है मुझे तो। और ऐसी सुविधाएं देख सकते हो आप, कान्हा हमारे कान्हा की नगरी में जो भी आता है वो खो जाता है, आप देख सकते हो कुटिया कितनी कितनी सुंदर कुटिया हैं, हमारे गुरुजन बैठे हैं यहाँ पर हमारे, और आप देख सकते हो पेंटिंग कितनी सुंदर है, और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की भीड़ भी देख सकते हो, और हमारे यहाँ गुरु जी हैं सब अपनी अपनी भक्ति में लीन है,
देख सकते हो आप कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं जहां भंडारा कक्ष है, वहां पर चलो चलते हैं अब।